हेलो दोस्तों, नाटकी कुलदीप शर्मा फेसबुक पेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त एंकर संजय ठाकुर। और हमारे आसपास आपको मालूम है कौन बैठे हैं, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और आज दूसरी बार जिसमें लाइव आए हम लोग, और ये मौके भी बहुत कम आते हैं जब जब लगातार मतलब साथ मिलना होता है, तो काफी समय बाद हम लाइव आई साथ होने हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना जो है लाइव आया जाए। और हम हैं इस वक्त हिमाचली स्वर जी अकेडमी पौंटा साहिब, उनके जो जो भी मालिक हैं अकेडमी की, मेरे ठीक सामने बैठे हैं मोदी भाई। और मेरे साथ संगीत चौहान जी, मैंने पहले भी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और बाकी मसल जो साथी हैं गिरधार में हमारे साथ हैं भाई साहब सनी जी, और हारमोनियम पे है जी। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम तो बंद है, तो हमारी कोशिश है कि चलो घर से ही जो है अकेडमी से जो आपको एंटरटेनमेंट किया जाए। और जब तक कार्यक्रम शुरू होंगे कोई बात नहीं, देखेंगे जब भी शुरू होंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है वो जारी रहेगा। चौहान जो आज हमारे हिमाचली स्वर म्यूजिक अकेडमी में बैठे हैं, तो हुआ क्या कि कल विक्की भाई आए और ये होटल में रुकने जा रहे थे, रुक गए तो मैंने बोला यार हम घर पे रुकेंगे साथ साथ, बड़े सालों के बाद मिलना हुआ है, कोरोना काल की वजह से सब लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए। तो हुआ क्या कि भाई के पास मैं गया और फिर भाई को मैं घर लेके आया, और फिर बड़े कल से लेकर बड़े आनंद हम ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो आज यहाँ जो इकट्ठे हुए कलाकार, आपको पता है इकट्ठे क्यों होते हैं, तो एक बहुत बड़ा अवार्ड जो पौंटा में होने जा रहा है, बेटा जी क्या हिमाचल आइकन अवार्ड, हिमाचल आइकन अवार्ड है, उसमें बहुत से लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिसमें कि हम दोनों भाइयों को भी एक साथ साथ हम सम्मानित हो रहे हैं। तो वो माहौल बना, तो फिर मैंने बोला कि भाई यार आज थोड़ा सा क्यों ना दोनों भाई एक एक दो दो गाने हो जाए साथ में। तो विक्की भाई, बेटा भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच खुशी भाई आपका। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सुनने का। हम शुरुआत करेंगे चौहान साहब से, अक्सर आपसे सुना है क्योंकि मैं ज्यादा कहता जाऊंगा तो वो शब्द कम पड़ते जाएंगे। वैसे भी कहा जाता है संगीत के जो लोग हैं वो संगीत से जुड़े होना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए। चलिए चौहान साहब शुरू करें। जो माहौल है वो शांत ना कर पाएगा किसी चीज को, जब हम किसी ऐसी डिप्रेशन में या किसी ऐसे डिप्रेशन में जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पर इस वक्त ज्वाइन किए हैं। उसके लिए कुलदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई, ये एक नेक काम है आपने किया, संगीत से जुड़े हो और संगीत के क्षेत्र में ये मुकाम आपने पाया है। हिमाचल प्रदेश के कलाकारों के श्रेणी में आपका नाम सभी श्रेष्ठ श्रेणी में जो आता है, आपने इतना मुकाम पाया है, इसके लिए आप बधाई की बात बहुत हो। और अच्छा लगा इसके साथ लोग जब पौंटा साहब में पहुंचा, मैंने एक अपडेट करा था शर्मा जी सीधे होटल पहुंचे और साथ में हाथ से हाथ पकड़ के बोला कार कवर कर क्या पौंटा में मेरे होते आपको होटल होटल की जरूरत है, इन्होंने कहा कि गोली बिस्तर पैक करो चलो। हम लोग यहाँ आए और सच में हमारी छोटी बहन जो रीना, इनकी जो वाइफ है, उनका शुक्रिया, इतना अच्छे अच्छे पकवान उन्होंने बनाए हमारे लिए, और सुबह से लेकर भी बहुत सारी चीजें खा पी रहे घर पे। चलिए अभी मस्ती का माहौल बनाने का मौरत हो रहा, कुछ अच्छे खाने बना लेते हैं, फिर सब लोग आपको एंजॉय करते हैं। तेरे कानों रे झुमके बोलों कानों रे झुमके के चन चन बोलूं रे कानों रे झुमके के चन
कितने साल से गाया गया था ये गाने को? 2002-03 में गाया था और ये रिक्रिएट करके मैंने नया बनाया है। 2002-03 में ये गाना गाया गया था और उसके बाद इसका रिमेक भी बनाया गया था और उसे भी बहुत सारा चालू मिला देना। थैंक यू सो मच हिमाचल, उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों की तमाम जनता का जिन्होंने इतना सारा प्यार दिया है। अब विंटेज गाना गाएंगे सर, मुझे पसंद है। अब विंटेज गाना चलिए, थैंक यू, इनके साथ साथ ये गाना भी बहुत बढ़िया गाते हैं। थैंक यू नाइट। हां दिल्ली नाइट चलिए सर। और मुझे प्रसाद दिया रहे हैं एक्चुअल में, इतनी बड़ी आवाजों के बीच गाना सच में बहुत मुश्किल काम है। चलिए कोशिश करता हूँ आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का तो फिर मैं देखूंगा नहीं, आप लोग कवर रहे हैं। ये मजाक मेरा जो एक मैं थोड़ा मजाक के अंदाज में हमेशा रहता हूँ, मस्ती करता हूँ, खूब एंजॉय करता हूँ। होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। कल से आप लोग देख रहे हो कि जब मैं और कुलदीप जी जो गप्पे मार रहे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा हंस रहे हो। हम लोग 22-23 साल से इकट्ठे हैं और इतनी मस्ती करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, इतनी गप्पे मारते हैं दोनों, तो आप हंस खूब रहे हो हमारे साथ रहकर। कल से बिल्कुल और मैं वहीं से भी यही कहना चाहूंगा कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहिए। क्या चलिए टेली नाटी गाने की कोशिश करता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप सब की उसके बाद ये गाएंगे क्योंकि इनके घर में ये चाहते हैं कि पहले हम लोग गाएंगे। एक गाना मैं गाऊंगा, फिर एक गाना विक्की भाई गाएंगे, फिर एक गाना मैं गाऊंगा, ये चलता रहेगा। चलिए थैंक यू सो मच। आप कोई फरमाइश करना चाहते हैं चौहान साहब से तो आप कर सकते हैं, आपकी जिंदगी का पहला शो पड़ा शो जो मौना है, मौना की जो नाटी है वो बहुत अच्छी है, मैं अक्सर उससे बात करता हूँ। चलिए उसे शुरू करता हूँ। सुनो सुनो, हंसी मजाक भी जरूरी है और बहुत सारे लोग जो मजा कर रहे हैं।
शर्मा जी आप कमेंट्स भी कर रहे हैं और अब आपकी बारी आप एक बढ़िया सी गाने गा लीजिए और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है लाइव में आपके पेज पे शुरू हो जाएगा जिंदगी जीने से बढ़ के कोई ख्वाब नहीं होता ना मिले कामयाबी तो कोई बर्बाद नहीं होता ध्यान से सुनिएगा जिंदगी जीने से बढ़ के कोई ख्वाब नहीं होता ना मिले कामयाबी तो कोई बर्बाद नहीं होता जो लोगों के दिलों पर राज करना चाहता है दुनिया में उससे बढ़ के कोई ख्वाब नहीं आई होप आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए बिल्कुल जिंदगी में पॉजिटिव रहे खासकर कोरोना की आई तो फिर नहीं चलिए सर सर आप सुन कीजिए कौन सा ढोलिया बजाइए तू बोलो गीतरे सुनो बढ़िया जे बोलो फूले फूले सारे कदम मिला के फूले फूले सारे कदम मिला के थोड़ा थोड़ा दरा मिला के कई कल में ये लगी ना
बहुत मशहूर हुआ था, वो इसके गीतकार ही हैं ये। क्योंकि किसी कारण हम संतरे को ले नहीं पाए थे, तो ये इस गाने का किस्सा है। मेरी जिंदगी का लिखा हुआ पहला गीत है चौहान साहब ने गाया है, और वो अंतरा सुनाते हैं जो एल्बम में नहीं है। Oh, man.
गुजराती हो गया, नानी ठेठ नाटे आए तो ये बड़ा पसंद करते हैं। खासकर विक्की भाई के पापा को, ये जो मेरी अनु भाई थी, विक्की भाई के पापा को बहुत पसंद है। अभी तक सुनते हैं वो, अभी तक उनके फोन में है। थैंक यू सो मच सुधीर भाई। और बीच में हम जैसे बात कर रहे थे कि कोरोना काल में काफी सारे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा टेंशन में हैं, काफी ज्यादा चिंता में, खास खासकर कार वर्ग को काफी ज्यादा चिंता में है क्योंकि कार्यक्रम बंद है। चलिए एक शाम की आवाज सुना 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 सभी के दिल में, सभी के दिल में कामयाबी का ख्याल आया है। ये उन लोगों के लिए है जो बुलंदी की उड़ान उड़ते हैं, उन लोगों के लिए है। ये सभी के दिल में कामयाबी का ख्याल आ रहा है। कोई ये चंचल जीत जाता है तो कोई हार जाता है। सभी के दिल में कामयाबी का ख्याल आता है। कोई ये जंग जीत जाता है तो कोई हार जाता है। उठ जाओ जमीन से ऊपर, बादल जैसा सा, मगर याद रखना होगी उम्मीदें चुराने की। हम बुलंदी की उड़ान रहे हैं, जो घोंसले में आते हैं अभिषेक जी, वो पूरा दिन दिन बुलंदी की उड़ान भरते हैं, लेकिन शाम शाम उसको भी घोंसले में आना होता है। तो ये हमें वाले मालूम है, बहुत जरूरी है सर। एक गाना और है, बिल्कुल एक बात कहना चाहता हूँ, एक बड़ा अच्छा लगता है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि जब आप जैसे कलाकारों को साथ जब गाते हुए देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। भाई आपको मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और इतना मैं जरूर कहूंगा विक्की भाई कि हम लोग साथ साथ ही हैं। मैं कोई कोई बात नहीं क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग बात करते हैं। जब भी कई बार मैं बैठा होता हूँ कहीं अकेले अकेले लोग आते हैं तो कई बार प्रदीप जी के बारे में जैसे कुछ बातें करेंगे, कुछ बातें इधर की उधर की लगाएंगे, या कई बार प्रदीप जी के पास कई बातें इधर की उधर की, ऐसे 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 बातें कर लेते हैं। क्योंकि मैंने एक बात कही थी शर्मा जी से आज से 7-8 साल पहले, एक मुकाम आना शुरू हो चुका है, नाम आना शुरू हो चुका है, लोग पहचानने लगे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बीच में आए हैं जो बहुत सारी चीजों को ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर आपको लगता है कि विक्की जी मुझे आपके बारे में कुछ बात याद नहीं है, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मुझे राय है कि आपने मेरे बारे में ऐसी बात बोली है तो मैं डायरेक्ट आपको फोन करूंगा कि ऐसी बात है। उसका ये रिजल्ट सामने आया है पिछले 22 सालों का, 20 सालों का जो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हुआ। हम लोग शायद 10-12 दिन में एक बार बातचीत की, हाल चाल पूछते हैं, फैमिली के रिलेशनशिप में होती है कि नहीं आप क्या क्या हो, क्या नया नया है, क्या चाहिए, सब लोग हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बीच में कई बार होता है आर्टिस्ट के बीच बातें भी करने लोग, तो वो चीजें शायद हमारे बीच में आज आई नहीं, आने भी नहीं चाहिए। वो रिलेशन आज तक जिंदा है। और जैसा कहा है भाई मेरे की इकट्ठे होते हैं दिमाग के, मुझे लगता है कि हिमाचल के गीत और संगीत संस्कृति के लिए आगे बढ़ने के लिए अभी सब लोगों को इकट्ठा होना बहुत जरूरी भी है। और एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है शर्मा जी कि संस्कृति की अगर बात करते हैं तो हिमाचल का हर एक कलाकार एक रिच कलाकार होना चाहिए, एक अमीर कलाकार होना चाहिए ताकि यहाँ की संस्कृति भी रिच होनी चाहिए। क्योंकि अगर कलाकार यहाँ का गरीब होगा तो यहाँ की संस्कृति भी जिंदगी भर गरीब नहीं रहेगी। तो हमेशा लोगों का प्यार है, प्रोत्साहन है, अच्छे कलाकार के बड़े बड़े नाम बने हैं, उसके लिए तमाम जनता का सबसे बड़ा सहयोग है। और जो नए आए शर्मा जी उनके लिए भी कहूंगा कि बेहतरीन कार्य आते हैं, बहुत सारे संगठन बहुत ही गरीब कार्य आते हैं। और वो लोग भी अभी थोड़ा सा कोरोना का समय है इसमें थोड़ा सा सहयोग करते हैं, और आने वाले समय में कहता हूँ हमेशा जी हर रात के वहां सवेरा होगा और सबके जीवन में सवेरा होगा। वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन है, या ब्यूरोक्रेट्स है, या हम लोग किसान बाग और गायक है, कुछ भी लोग हैं, जो भी लोग झाड़ीदार मजदूर लोग हैं, रिक्शा चला 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 कुछ भी कोई भी काम करता है, तो सबके जीवन जो चला जो हो रहा है थोड़ा सा पेश विक्की भाई। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। तो मैं यही कहूंगा बेटा जी कि बाकी क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। अब परमात्मा ने पता नहीं किसको क्या पता कितना समय दिया है, अगर ये जो समय जो परमात्मा ने जो हमारे को जो पल बख्शे हैं, अगर विक्की भाई ये प्यार मोहब्बत में अगर ये गुजर जाए तो वही कहा कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, पता नहीं कब किसकी कहां शाम हो जाए, कब कहीं साथी को कहीं
कहीं छूट जाए, तो इसलिए मैं भी यही कहता हूँ भाई कि जितना हो सकता है बेटी भाई बेटा भाई प्यार बांटो, प्यार से रहो, तो सबसे इससे बड़ा आनंद और कोई नहीं। इसी बात को क्योंकि मंजिल जब है तो इतना बदलता है। कुलदीप भाई ने जो कहा मैं उसी को शायराना अंदाज में कहता हूँ कि जिंदगी से सवाल करो अपनी तो कमाल करो, ये मिलती नहीं है बार 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 नाच गाओ और धमाल माल और यही शायद मैं सोच रहा है।
हर जन्म